हेलो बाबू, पिछले क्लास में आपने कुलरॉस लॉ पढ़ा था, उसी का कुछ प्रॉब्लम हम सब देखेंगे। और कुलरॉस लॉ आप स्टेटमेंट देखा था, उसका ढेर सारा हमने उसका एग्जाम्पल लेके भी बताया था, वो समझ में आ गया होगा। अब हम सब कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं आपके बोर्ड पर, और इसको क्वेश्चन दो चार हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उस पर कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, समझना है आपको अच्छे तरीके से, कोई बड़ा मैथमेटिकल टर्म नहीं है या कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, आप आसान से कर सकते हो। कुलरॉस लॉ आप समझ गए होंगे, कुलरॉस लॉ था क्या, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए किसी भी कंपाउंड का जब आप निकालते थे तो उस कंपाउंड का जो आयनिक का कंडक्टिविटीज होता है दोनों को सम कर देते हैं, यानी कैटायंस वाला को अलग से और एनायंस वाला को अलग से दोनों को सम कर देते हैं, वही मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन का होता है, उसी कुलरॉस लॉ, उसी को कुलरॉस लॉ कहा जाता है। इस पर आपको डिस्कस कर लिया गया था, है ना, मैंने लिखवाया था एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टिविटीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस, ऐसे लिखे थे। उस पर प्रैक्टिस में हमने ढेर करवाया था, ठीक है, और पढ़ाया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, अब दो चार क्लास से बहुत ज़्यादा अच्छा मन भी कर रहा है मुझे पढ़ाने का। कारण क्या है, बहुत सारे बच्चे ढेर तरीके से पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा पूरे नोट्स के नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा तरीके से नोट्स बच्चे सबने भेजा भी है, बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। उम्मीद करेंगे आप और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, कभी भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आप सबके पास होगा ही, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए। प्रॉब्लम कितना बड़ा क्यों नहीं होगा, सॉल्यूशंस होता ही है। आपको एक बेहतर इंसान बनना है, बेहतर थिंकिंग थिंकर बनना है, कैसे किस टाइप का बनने हैं, किसी को डोनेट करने वाला, किसी को देने वाला, ये नहीं सिर्फ लेने वाला। आपको पता होगा हमने क्लास में जरा जिक्र किया करता था, तो क्लास तो है नहीं, अब यही क्लास है, ऑनलाइन ही क्लास है, यही पर देखो आपका फोटो हम देख लेंगे, आपका फोटो आप देख लो, है ना, एक दूसरे का फोटो देख लेते हैं हम लोग, बस यही लाइव क्लास हो सकता है, आप समझिए यही लाइव क्लास यही क्लास है, ऑफलाइन ऑनलाइन में जरूर अंतर तो है ही बाबू, है ना, बहुत जल्दी हम सब जरूर मिलेंगे ऑफलाइन में, आप चिंता नहीं करिए, बहुत अगले महीना से इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी है ना, कन्फर्म नहीं बोल रहे हैं, मिलेंगे हम सब बहुत जल्दी। मुझे उतना मन नहीं लग रहा है, क्लास डेली रहता था, जरा बिजी रहते थे, आजकल थोड़ा कम हो पा रहा है, लेकिन समझिएगा हम ज़्यादा जिक्र किया करते थे, तीन चार दोस्त थे आपस में एक जगह इकट्ठा, और एक दोस्त का वेट कर रहे थे जो वो आएगा और वो मुझे पार्टी देगा। क्यों भाई, पार्टी किस चीज़ का, पार्टी के नाम से बोले, यस सर आप भी देते, बर्थडे बीता है, बिल्कुल ड्यूज है, 19 जून का बर्थडे था, आप लोग को कुछ ना कुछ मिठाई जरूर मिलता था सब बार, इस बार थोड़ा नहीं हो पाए, आप ढेर सारा विशेष भी आप मुझे दिए थे, सबको धन्यवाद आप सबको, लेकिन ड्यूज रहेगा, खुलेगा तो हम लोग करेंगे, आप चिंता मत करिए, अच्छे तरीके से करेंगे, बैलून वलून फूल से सजाया जाएगा, कोचिंग में आप लोग को वेलकम अच्छे तरीके से किया जाएगा, जब आप आओगे ना हम सोचे हुए जो बहुत अच्छे तरीके से पूरे बैलून गेट पर लगाएंगे, आप वेलकम अच्छे तरीके से किया जाएगा, है ना, ये सब करेंगे, सबको एक एक बैलून भी गिफ्ट करेगा, टॉफी खाओगे टॉफी भी मिलेगा। तो वो पार्टी का वेट कर रहे थे, कारण क्या था, उसका दोस्त का बर्थडे था, वो आएगा और मुझे हम सबको पार्टी देगा, सब दोस्त सब वेट कर रहा था, अब आएगा फोन कर रहा था, जल्दी आओ, बोल रहा मैं आ रहा हूँ रास्ते में, रास्ते में जब आया तो बगल में जो चार दोस्त था उसको बगल में एक बहुत बड़ी लग्जरी कार आके लगी, बहुत ही बेहतरीन कलर का, ठीक है, मैरून कलर का, बहुत बेहतरीन कलर का वहां पर लगी, सब देखते रहे कि वाह कितना अच्छा कार है, उसी से उसका दोस्त निकला, बोला अरे भाई तू मेरा दोस्त का है क्या, बोला कब लिए, सब ने बोला कब लिए, उन्होंने बोला आज मेरा बर्थडे था इसी में लेट हो गया, मुझे भैया ने ये गिफ्ट किया था, मुझे भैया ने अभी गिफ्ट किया है, सब लोग बोले वाह है ना, इतनी बड़ी कार बर्थडे में आपको भैया ने गिफ्ट किया है। वहीं पर कुछ दोस्त सोचने लगता है अरे वाह ऐसे काश मेरा भी कोई भाई होता ऐसा,
जो मुझे गिफ्ट करता ऐसी लंबिका, ऐसे होता, ऐसे सोचने लगा। वहीं पर एक दोस्त सोच रहा था ऐसे, उससे पूछा तुम क्या सोच रहे हो? उन्होंने सोचा जो काश मैं ऐसा भाई होता जो मैं भी अपने छोटे भाई को गिफ्ट करता। बिचोनीज बेटा कौन सा अच्छा है? एक सोच रहा था दोस्त, काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता जो मुझे गिफ्ट करता। एक वहीं पर दोस्त सोच रहा है, मैं ऐसा भाई बनता जो मैं किसी को गिफ्ट करता, छोटा भाई को गिफ्ट करता। स्वाभाविक है दूसरे वाला ज्यादा अच्छा सोच रहा है, लेने को नहीं देने को सोच रहा है। इसका मतलब वो दूसरा बच्चा जो है वो ज्यादा पावरफुल बनेगा, क्योंकि उसका प्लानिंग स्टार्ट हो गई वहीं से। जब हम बेहतर बनेंगे, बेहतर मेहनत करेंगे, बेहतर बना हम किसी को देने के लिए बना है ना, तो आप भी सोचिए किसी को देना है, कुछ बेहतर करना है, आपको बड़ा बनना है। मैंने माना हजारों प्रॉब्लम है, तो हर ताला का लगभग 3 चाबी दिया करता है, पता करो। हजारों प्रॉब्लम है तो लाखों सॉल्यूशन भी मिलता है। तो एक ताला का 3 चाबी मिलता है मार्केट में खरीदोगे तो, और यदि खो भी जाता है चाबी तो क्या करते हैं, नया चाबी बना लेते हैं, नया सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन का कोई कमी नहीं होता है, सॉल्यूशन था है वो, गुम भी हो गया ओरिजिनल, उसका सॉल्यूशन कोई दूसरा भी बनेगा, तीसरा भी बनेगा, चौथा भी बनेगा, सॉल्यूशन रहेगा, है ना। तो प्रॉब्लम से भागने नहीं है, सॉल्यूशन ढेर है, सॉल्यूशन बना लेंगे या पहले से ऑलरेडी सॉल्यूशन है, चाबी है, उससे हम लोग को जस्ट खोल देंगे, ओपन कर देंगे। आप कर सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो, आप सॉल्यूशंस हो, सॉल्यूशंस ढूंढो। आप समाज को, परिवार को, देश को कुछ देना चाहो, सिर्फ लेना नहीं। मुझे ये गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रहा है, मुझे वो क्यों नहीं दे रहा है, मुझे पापा नहीं दे रहे हैं, मुझे मम्मी नहीं दे रहे हैं, मुझे टीचर नहीं दे रहे हैं, मुझे अड़ोस पड़ोस। आप दे किसको रहे हो, या सोचो आपको देना है। यदि आप ही सोचेंगे देना है तो आपकी प्लानिंग उस पर काम होने लगेगा। आपने सोच लिया उसके बाद आप खुद में खुद प्लानिंग करने लगोगे और वो आपके साथ ऑटोमेटिक होते रहेगा। आप ये सोचेंगे तब तो माइंड को सही डायरेक्शन में जाने दो, माइंड को सही डायरेक्शन में जाने दीजिए, बिल्कुल बस जीवन आपका होगा। जीवन जीने का नाम है। कैसे जिएंगे? खुशी खुशी जिएंगे। खुशी कैसे जिएंगे? एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे। आने वाले वक्त में अपने परिवार को बेहतर ढंग से आगे ले जाएंगे, समाज को ले जाएंगे, देश को ले जाएंगे। और ऐसा इंसान बनना है कुछ देने के लिए बने हैं, लेने के लिए नहीं बने, बिल्कुल नहीं। आपका कर्तव्य नहीं बनता है। आप दो, इस मिट्टी से जन्मे हो, इस मिट्टी को, इस गांव में, इस परिवार में, इस समाज में, इस पंचायत में आप क्या क्या दे रहे हो और क्या क्या सोचते हो देना। कुछ बच्चे बोलते सर ऑर्फनेज बनाएंगे, बनाओ। वृद्धाश्रम बनाएंगे, बनाओ। सोचो, क्यों नहीं सोच रहे हो? सोचो, करोगे। हजारों प्रॉब्लम है, लाखों सोल्यूशन है, पहले से भी सोल्यूशन है, नहीं तो आप सोल्यूशन करो, आप कुछ करो। और ऐसे आप सोचिए बेहतर की वो कैसे होगा, सारे के सारे प्लानिंग कैसे होगा, ये सोच है कैसे होगा। वी हैव ओनली वन प्लेटफॉर्म, ओनली एजुकेशन, एक ही है। आप अच्छे से खूब तरीके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका जो भी शौक है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिजायर है, सोचो ना आपका ड्रीम्स ये है, कितना मजा आएगा। वो मिल गया तो कितना मजा आएगा। आपका ड्रीम्स है प्लेन में खरीद लो, प्लेन पर मैं किसी को गिफ्ट करूं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, पीओ बनूं, जो भी ड्रीम्स है, अपने फैमिली को ये गिफ्ट करूं, सर को भी ठीक है, सर को भी ये गिफ्ट करूं, परिवार को ये गिफ्ट करूं, छोटा भाई बहन को ये गिफ्ट करूं, ये सब यदि मन करेगा आपको और सारे ड्रीम्स पूरा होगा, कितना मजा आ रहा है सोचने में, होगा सोचने में मजा आ रहा है, एक्चुअल में तो और मजा आएगा। वो करेंगे क्यों, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। आप पढ़ाई करेंगे तो परिवार वाला ज़्यादा इज्जत देगा, समाज ज़्यादा इज्जत देगा, हम लोग भी ज़्यादा मानेंगे, पूरा देश दुनिया ज़्यादा मानेगा आपको। और जब ज़्यादा आपको मानने लगेगा अच्छे है, अच्छे अच्छे है, तो बिल्कुल अच्छे है, अच्छे है, अच्छा कर ही जाओगे, आपको बोलने तो लगेगा अच्छा है, अच्छा है। ये ध्यान रखना है, आपसे बहुत उम्मीद है। सिर्फ 2+2=4 ही सीख नहीं, केमिस्ट्री केमी से बना है यही नहीं, जीवन में बहुत कुछ करना है।
है ना, माइंड को सही रखिए, सही डायरेक्शन में लगने लीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है आप जुड़िए हमसे, बात करिए हमसे, आप एक्टिव रहिए, कोई दिक्कत नहीं होता। छूटिए मत, आप छूट जाएंगे तो निगेटिव हो जाते हैं। आप जुड़े रहिए, आप ताजा रहिए, आप एक्टिव रहिए, आप बहुत बढ़िया हो। आप है ना, हम लोग मिले हुए हैं, आपको मैं देखा हुआ हूँ, आपका माइंड पढ़ा हुआ हूँ, आप सब यूनिक हो, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। आप लगेगा सर क्या बात कर रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। नहीं बाबू, वैसे नहीं बोल रहे, वैसे नहीं बोल रहे, हर यूनिक होता है, आप भी यूनिक हो, आप में जो गुण विशेषता किसी और में नहीं है। आप सुने होंगे एक छोटा सा बच्चा घर घर पेपर फेंका करता था, घर घर पेपर फेंका करता था, और वही पेपर फेंकने वाला बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, कोई कभी कोई इसको रोटी दे देता खा लेता, मछुआरा का बच्चा था, बोलता आंटी मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि मैं कुछ चाहता हूं कुछ करना औरों के लिए, औरों के लिए, औरों के लिए। कोई कोई उसको चाटा भी मार देता, पेपर फेंक रहा है, पेपर फेंको भागो। वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब बड़ा बनके हमारे देश का गौरव, मेरा आइडियल पर्सन डॉक्टर अब्दुल कलाम बने, एक सोच से, पॉजिटिव थिंकर से। एक छोटी सी बच्ची घर घर गाना गाती थी और सोचती थी आने वाला वक्त में यही आवाज पूरी दुनिया को दिखाएंगे। कोई बोलता है देख आज भी किसी कोई गर्ल्स हमारी आपकी बहन घर घर गाना गाए तो ज्यादा लोग को अच्छा नहीं लगता है। उस जमाने की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, घर घर गाना गाती थी, सब बोला देखो कैसे कैसे करती है, अपना परिवार को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जवाबदेही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए उन्होंने अपने परिवार को, हम अपना गाना गा के, मेरे पास कला है उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगी। और वो बढ़ते गए, लड़की बढ़ते गए बढ़ते गए, वही हमारे देश की स्वर कोकिला सरस्वती कहलाती है, उसका नाम है, उनका नाम है लता मंगेशकर। बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैट्रिक में फेल होने वाला भी बच्चा, फेल हो गया अलग बात है, उनका एक मोटो था, एक लक्ष्य था। आपका लक्ष्य पढ़ाई से है, खेलते तो नहीं हो, इन्हें बोले फेल कर जाएंगे सर हम भी बन जाएंगे, आपके पास तो एक लक्ष्य नहीं पढ़ा है। हाँ खेलते ही तो खेलो मन से, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। हमसे के पास एक क्या लक्ष्य है, पढ़ने पढ़ाने का एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर भी प्लेटफॉर्म है उससे आप एक करो, एक सदे सब सदे सब सदे सब जाए, आपके पास उसे पढ़ाई है, पढ़ाई को हथियार बनाओ, एक से एक एग्जाम्पल सर है। सबका ब्रेन कुछ अलग रहता है, यूनिक रहता है। बोलेंगे सर उनमें जो ब्रेन था हमें नहीं है, उनका जो एक्टिविटी था हमें नहीं है, तो जो आप में है उनका भी नहीं, आप बेस्ट हो, आपके पास प्लेटफॉर्म स्टडी है, इससे प्रूफ करो, इससे प्रूफ करने आप, ये ध्यान दीजिए, खूब पढ़िए। और मैं चाहता हूँ आप 15 घंटा पढ़ो, 15 घंटा करने क्या है, उठिए सुबह में पढ़िए, 4 घंटा रात में पढ़िए, 4 घंटा सुबह पढ़िए, 4 घंटा दोपहर में पढ़िए, 12 घंटा 1-2 घंटा और निकालिए, काम ही क्या है आपको, आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्यों फालतू के घूम रहे हैं आप। 4 महीना में 3 बार आप सिलेबस को पलटी मार देते, नहीं किया है कोई बात नहीं, अब करो, अब करो, करना तो होगा हर हालत में, आपको ही ये ध्यान दीजिए, बेहतर ढंग से आपको सब कुछ करना है ना। और 12 घंटा पढ़िए, 12 घंटा तो 12 घंटा पढ़िए। बहुत बच्चे सब रात में नींद नहीं आती, क्यों सोते हैं आप, पढ़ाई करते रहिए करते रहिए करते रहिए, खूब नींद लगने लगा, चलो सो जाते हैं, फिर उठिए, फिर सोके फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से भूख लगती है खाइए, फिर से पढ़िए, फिर नींद लगती है सोइए, फिर से पढ़िए 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 पढ़िए, फिर टाइम बचता कुछ कीजिए, हमेशा पढ़िए पढ़िए। बोले सर पागल हो जाएंगे, पढ़ने से पागल होता है, कैसी बातें करते हो आप, पढ़ने से विद्वान बनता है, है ना, ब्रेन शार्प होता है, ब्रेन तेज होता है, एकाग्र मन करता है, कॉन्स्टेंट माइंड होता है, आप आगे बढ़ते हो, सिलेबस से जुड़ते हो, किताब से जुड़ते हो, है ना, ये चीज ध्यान दीजिए, आपको देख के दूसरा कोई इंस्पायर्ड हो। हाँ माँ पापा का भूल रहा, गुरु का भी बात मानना चाहिए, माँ पापा का बात ये ध्यान दीजिए, और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से आप कुछ ना कुछ करें, ये ध्यान दीजिए, आई होप आप करोगे, है ना।
क्वेश्चन जो था कुलरॉस लॉ, उस पर आते हैं। ठीक है, तो कुलरॉस लॉ क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, एक क्वेश्चन लिखे है, क्वेश्चन लिख दिए, कब टाइम लगेगा समझाने की जरूरत है ना। लिखा हुआ गिव है लैम्डा एम इंफिनिटी 1/3 Fe प्लस 3 इक्वल 68.0 सेमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। सेमेन को 1/ohm भी लिख सकते हैं या ohm इनवर्स दे देगा। और यहां पर क्या है लैम्डा एम इंफिनिटी हाफ SO4 माइनस 2 का इतना वैल्यू दिया है, बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Fe2SO4 होल 3 है। Fe2SO4 का होल 3 है, कैसे निकालेंगे, पहले Fe का निकाल लेते हैं। Fe का दिया हुआ है क्या, Fe का नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ 1/3 Fe का दिया हुआ है। तो यहां से देखिए यहां हम आंसर लिख रहे हैं, यहां पर हम आंसर लिख रहे हैं, ये जो दिया है लैम्डा एम 1/3 Fe प्लस 3 बराबर इतना, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो Fe का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसको लिख सकते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है यहां पर Fe प्लस 3 का, यहां जो 3 दिया हुआ है तो 1/3 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 × 68 यही ना होगा, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर मोल लिखिए या मोल इनवर्स लिखिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलो। और ये 1/2 जो है ये 2 आगे से मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर SO4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 इनटू कितना होगा 80.0, ये 68.0 है, सेमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोला, ये निकल के अकेले निकाल लोगे, इसके बाद क्या बोल रहा है, ये निकालने के लिए Fe2SO4 9 लिखा हुआ है लैम्डा एम इंफिनिटी Fe2SO4 का क्या है होल 3 कितना होगा बताइए। Fe अलग हो जाएगा, SO4 अलग होगा, तो यहाँ अलग अलग लिखने के लिए आपको बताया गया है लैम्डा एम इनफाइनाइट Fe पर चार्ज क्या होगा प्लस 3, Fe पर प्लस 3 कैसे समझे, इसका वैलेंसी 3 है इसका मतलब प्लस चार्ज होगा, और Fe है कितना 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या किए Fe अलग कर दिए SO4 अलग करेंगे, Fe का चार्ज कितना होता है कैसे देखे 3 है वैलेंसी इसका मतलब चार्ज होगा प्लस 3, और ये फिर 2 है SO4 का चार्ज कितना होगा 2 है माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस 2 होता है, प्लस देखिए SO4 है कितना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लैम्डा एम या इंफिनिटी यहां पर SO4 माइनस 2 है ना, SO4 पर चार्ज हो गया कितना माइनस 2 है कितना 3 कर दिए। अब देखिए ये करने के बाद सबका वैल्यू पता है कि नहीं पता है, यहाँ पर देखिए 2 है और Fe plus 3 का वैल्यू कितना है 3 × 68 हो गया प्लस 3, और SO4 का माइनस 2 का कितना है ये 2 × कितना है 80, ये जितना आएगा इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये आंसर होगा। इस टाइप का रहेगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आपको देखिए इस टाइप का बना लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन देखिए सब एक ही टाइप का होगा लिखा होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर द लैम्डा एम NH4 CLeG 149.6 दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है क्या गिवन में, गिवन जो दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं लैम्डा एम इंफिनिटी, ये लिखा हुआ है NH4 CL का 149.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फिर या एंड द आयनिक कंडक्टिविटी जो ऑफ OH- माइनस HCl आर इतना, ये भी दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी लिखिए या कंडक्टिविटी लिखिए, किसका इनफिनिट पर ही ले लेते हैं, ये OH- का कितना है 158.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया रहे या नहीं दिया रहेगा बताए थे बराबर ही होगा, और Cl- का ये कितना है 76.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है कि नहीं, कैलकुलेट द लैम्डा एम फॉर NH4OH का बोल रहा है, देखिए NH4OH का बोल रहा है इनफिनिट, ये NH4OH का पूछ रहा है जो क्या होगा, तो NH4OH का क्या होगा, NH4 को जोड़ोगे और OH को जोड़ोगे, क्या NH4 दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो NH4 ये है NH4Cl है ये जोड़ दो और Cl वाला OH को जोड़ दो क्योंकि हमें NH4OH चाहिए ना, तो NH4 को जोड़ दो OH को जोड़ दो तो NH4OH जुड़ जाएगा, Cl एक्स्ट्रा है
HCl को घटा देंगे NH4OH मिल जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इंफ्रारेड सॉल्यूशन का, ये जो लिखा हुआ है NH4OH, हम लोग को OH चाहिए, इसी से नाम है NH4OH चाहिए। NH4 प्लस OH माइनस का दिया रहता है वही लिख देते, लेकिन OH माइनस का दिया हुआ है लेकिन NH4 प्लस का तो नहीं दिया है, हमें NH4Cl का दिया हुआ है, तो यहां लिख सकते हैं ना लैम्डा m इंफिनिटिव है, ये NH4Cl ठीक है, इसी में OH, NH4OH का चाहिए, इसी में OH भी जोड़ देते हैं, मतलब लैम्डा m इंफिनिटिव का क्या है यहां पर OH माइनस NH4 और OH मिलके NH4OH, Cl ज्यादा है इसमें से माइनस क्या करेंगे लैम्डा m इंफिनिटिव, क्या करना है आप लोगों को Cl का माइनस कर देंगे, तो NH4OH बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए तो NH4Cl का है कितना, NH4Cl का है 149.6 है, प्लस में OH का है कितना, OH का है 158.0 है, माइनस Cl का कितना है, Cl का है 76.7, ये जितना भी बचेगा इतना सेमेन सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्मूल आंसर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा मुझे पता है आप बना लेंगे, जल्दी से ये आप बनाइए, जल्दी से आप देख लीजिए, इस दोनों में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात करिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 का होल 3 इज 858 पर ओम है, नहीं है पर ओम मतलब क्या होगा, साइमेंस भी बोल सकता है इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al+3 आयन का पूछ रहा है, गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी इन फ्लोराइड सॉल्यूशन SO4-2 इक्वल्स ये है। सबसे पहले क्या लिखने वाले हो, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले तुम गिवन लिखो, अपने आप बन जाएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन ही होता है मेरे बाबू। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, गिवन, जब गिवन लिखेंगे तो क्या लिखा हुआ, द मोलर कंडक्टेंस एट इन फ्लोराइड सॉल्यूशंस ऑफ Al2SO4 का होल 3, यानी क्या दिया है मोलर कंडक्टिविटी इन फ्लोराइड सॉल्यूशंस का, ये है Al2SO4 का होल 3, ये दिया हुआ है 858 ये लिखा पर ओम, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स यानी पर मोल, ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al+3 यानी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट के लिए किसका पूछ रहा है, एल्युमिनियम प्लस 3 आयन का, ये क्या होगा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al+3 आयन, ये क्या होगा, गिवन दैट दैट क्या दिया हुआ है, गिवन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का SO4-2 का 160 है ना पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया हुआ है, बस अब देखिए क्या लिखेंगे, ये तो गिवन है, अब एक ही तो ना फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, इसको तोड़ो आप, इसको जब तोड़ोगे तो मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन Al2SO4 का होल 3, इसको तोड़ने आता है आपको क्या, Al को अलग करो SO4 को अलग करो, Al का चार्ज क्या होगा +3, कैसे समझे, ये चार्ज बगल वाला में से देख लेते हैं संयोजकता के आधार पर, वैलेंसी के आधार पर, SO4 का कितना चार्ज होगा 2, लेकिन प्लस की माइनस, माइनस एक का प्लस दूसरे का माइनस, तो यहां पे क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशंस है, ये Al क्या होगा +3, लेकिन Al है कितना 2, आगे में 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई, आगे कर दिए, प्लस क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन का कितना SO4 पर चार्ज कितना, माइनस चार्ज देखना है तो पड़ोसी का लिख लेना, SO4 है कितना 3, ये 3 हो गया। अब देखिए सब का वैल्यू दिया है, किस किस का वैल्यू दिया है, देखिए इसका वैल्यू दिया है कितना, इसका वैल्यू दिया है 858 लिख दिए इक्वल्स, इसका वैल्यू निकालना ही है 2 लैम्डा m इनफाइनाइट है, ये हम लोग को निकालना ही है, ये पूछ रहा है प्लस 3 इनटू, लाइट कट गई है थोड़ा वेट करिए, देखिए तो क्या होगा बाबू इसके बाद, ये 2 इनटू ये करेंगे 3 इनटू, ये क्या लिखना है यहां पर
थ्री इंटू इसका वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ कि नहीं, SO4 माइनस 2 का वैल्यू दिया है कितना है देखिए, तो SO4 माइनस 2 का कितना है 160, 160। तो अब बताइए इसका वैल्यू निकल सकता है, यानी ये वैल्यू निकला होगा, इसको इधर भेज दो, यानी हो जाएगा 2 लैम्डा m इंफिनिटी इसका al प्लस 3 इक्वल्स क्या होगा, ये 858 है और ये होगा माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस 3 इंटू 160 ये होगा। और इसके बाद क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, ये 2 जो यहाँ पर है इससे ये क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे, जितना होगा यही होगा आपका इतना साइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मूल होगा कि नहीं। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा तो भी आपसे बन सकता है, जल्दी से देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, इस टाइप का कोई भी रहेगा आप कुलरॉस लॉ में कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, देखिए अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इसी टाइप का और भी क्वेश्चन देते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है वो हम आपको और दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन जो है वो और देख लीजिए किस पर, कुलरॉस लॉ पर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से बना सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा लिखा हुआ है, फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3, AlCl3 इफ 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 मोलर कंडक्टिविटी फॉर Al प्लस 3 एंड Cl माइनस आर 22.20 एंड 31.6 साइमन, 31.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्या लगता है ये बन सकता है आपसे? गिवन क्या बोल रहा है बताइए, फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3, यानी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का AlCl3 का पूछ रहा है, जो क्या होगा है ना। इसके बाद और क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन Al प्लस 3 का, Al प्लस 3 का कितना दिया है 22.20 और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसका Cl माइनस का कितना दिया है 31.6, ये क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है, ये भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। अब देखिए सब दिया हुआ है तो क्या ये नहीं बन सकता है, बस इसी टाइप का ही क्वेश्चन रहता है, दो तीन चार टाइप का जो बताए थे उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप वैसे बना लोगे। यहाँ लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन AlCl3 का, ये क्या होगा Al को अलग कर दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन Al, Al पर चार्ज क्या होगा, चार्ज देखना है तो पड़ोसी से देख लेना, इस पर 3 है ये प्लस 3 होगा, Cl का देखना इस पर देख लो नहीं है तो 1 है लेकिन माइनस में होगा, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन Cl माइनस, लेकिन Cl है कितना 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, Al तो 1 है। अब देखिए Al प्लस 3 का है कितना दिया हुआ, Al प्लस 3 का दिया है 22.20 प्लस 3 इंटू Cl माइनस का कितना है 31.6, ये जितना भी आएगा इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आंसर। तो इस टाइप का कोई भी रहेगा क्वेश्चन तो आप अच्छे तरीके से बना सकते हो, ये हो गया कुलरॉस लॉ। तो आज आपने पढ़ाया क्या, कुलरॉस लॉ पर प्रॉब्लम जो दो चार था वो किए, इसी टाइप का कुलरॉस लॉ का प्रॉब्लम होता है, थ्योरी पूछेगा जैसे बताए थे वैसे थ्योरी देना, प्रॉब्लम पूछेगा इसी टाइप का प्रॉब्लम होता है आप बनाओगे, ठीक है। तो आज हम सब इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए